वेलकम बैक ऑन माय चैनल साथियों, आज बात करने वाले हैं प्लेटे हेलमंतीस के जनरल करेक्टर के बारे में बात समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्लेटे हेलमंतीस एक फाइलम के, इसमें क्या होता है, वाई लेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, बॉडी इनकी क्या होती है, सॉफ्ट बॉडीज होती है। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज फ्लेट वॉर्म के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कुछ जनरल करेक्टर्स इसके फाइलम प्लेटिफ्लेंदेस इंक्लूड जैसे जैसे होते हैं, जैसे क्या बॉडी शेप इनकी कैसी होती है। तो बॉडी शेप हमारी कैसे है, प्लेट हेलमंतीस है वे फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, रिबन लाइक होते हैं, बॉडी शेप्ड होती है। दिस गिवन देम दे आर द कॉमन नेम ऑफ द फ्लैट वॉर्म के नाम से उसको जानते हैं। दे आर टिपिकली डॉर्सो वेंट्रियल फ्लैटेंड होते हैं। ये टिपिकली कैसे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रियली फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, मीनिंग दैट दे आर वाइट इज मच ग्रेटर देन द हाइट। कहने का मतलब है ये कैसे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, मच देन ग्रेटर देन हाइट, मतलब हाइट से इनकी ज़्यादा होती है और चौड़े ये कम होते हैं। तो ये क्या फ्लैट वॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या बॉडी शेप्ड इनकी हो गई। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट जो हमारा जो है सिम्टम्स इनका है, करेक्टर्स है, वो हमारा क्या है, टिश्यूज लेयर इनमें कैसी पाई जाती है। तो टिश्यूज से दे हैव द थ्री टिश्यूज लेयर, इनमें ट्यूब्लोब्लास्टिक होते हैं। कहने का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दे आर द नोन एज अ ट्यूब्लोब्लास्टिक एनिमल के नाम से इसको जानते हैं और ट्यूब्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक, इसके बाद में इनका जो नेक्स्ट इनका जो करेक्टर्स है वो हमारे क्या है, इनके अंदर नो बॉडी कैविटी, इनके अंदर क्या है, नो बॉडी कैविटी होती है। इसको समझ लें, दे आर लैक ऑफ द सीलोम, इनके सीलोम्स नहीं होते एंड आर रेफर टू एज असीलोमेट, और क्या है, असीलोमेट के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर कोई ही सीलोमेट या फिर कैविटी नहीं होती, इसकी वजह से असीलोमेट होते हैं। ठीक, इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट करेक्टर है प्लेटे हेलमंतीस का, यह है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, मोस्ट फ्लैट वॉर्म ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है इनके, विद ए सिंगल ओपनिंग दैट सर्व एज अ बोथ माउथ एंड एनस। ठीक है, तो इसको क्या है, ब्लाइंड सैक के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब माउथ और एनस की सिंगल ही इनकी क्या है, ओपनिंग होती है। ठीक, तो यही हमारे क्या है, इसके क्या है, डाइजेस्ट सिस्टम इसमें होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है एक्सक्रेटरी सिस्टम, इनमें कैसा होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स होती है इनमें क्या है। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स हमारी होती है एंड दैट हेल्प टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रोडक्ट, मीन्स एक्सक्रेटरी जो हमारा क्या होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो क्या फ्लेम सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद में जो इनमें नेक्स्ट होता है, इनका जो करेक्टर है नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होता है, दे हैव ए सिंपल नर्वस सिस्टम इनमें मिलेगा, कंसिस्ट ऑफ द लेडर लाइक, मतलब सीढ़ी नुमा इनमें क्या है नर्वस सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो सीढ़ी लाइक ये हमारा इसमें क्या है नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द नर्व्स विद गैंगलिया इनमें मिलेगा, क्लस्टर ऑफ द सेल्स कोई गैंगलिया के नाम से एट द इंटरवेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नर्वस सिस्टम, इसको बारे में समझ के लीडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट सिम्टम्स है, इनका जो नेक्स्ट करेक्टर्स है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है उसके बारे में समझ। दे हैव द प्रोड्यूस बोथ सेक्चुअली एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। सम स्पेसीज आर हार्मोफ्रोडाइट होती है, मीनिंग दैट दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल के करेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारे क्या है सेक्चुअली और असेक्चुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं और हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। ठीक, और बाइसेक्चुअल इसे कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट सिम्टम्स है हैबिट इनकी देखी जाती है प्लेटे हेलमंतीस की, फ्लैट वॉर्म कैन बी फाउंड इन वेरियस हैबिट्स, इनके हैबिट में क्या है वेरियस होते हैं, इंक्लूड फ्रेश वाटर में उनको देखने को मिलते हैं, मैरिन देखने को मिलते हैं और इन्वायरमेंटल एंड टेरेस्ट्रियल ये हैबिटाइट उनमें पाई जाती है। ठीक है, मीन्स इनमें क्या है हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट करेक्टर्स है प्लेटे हेलमंतीस का, यह है पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मीन्स क्या है, सम फ्लैट वॉर्म स्पेसीज पैरासिटिक होती हैं, लिविंग इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मीन्स ह्यूमन के अंदर भी इनको देखने को मिलेंगे और हमारे क्या एक्टो पैरासाइट के रूप में देखने को मिलते हैं और हमारे क्या एंडो पैरासाइट के भी रूप में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कुछ पॉइंट से किसके थे प्लेटे हेलमंतीस के बारे में कुछ पॉइंट्स से, और ये आपको
ठीक लगे होंगे, पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ओवरऑल वॉच करने के लिए।